हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट रीड्स। बहुत सुना है आप लोगों ने जीडीपी के बारे में। जीडीपी के बारे में तो नहीं सुना होगा, लेकिन ये तो सुना होगा कि जीडीपी रेट ये चल रहा है, या कंट्री में जीडीपी ग्रोथ इतना हुआ, या कोई दूसरी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ इतना था, प्रीवियस ईयर्स में जीडीपी कुछ इतना था, इस ईयर में इतना हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने ये सारी चीजें सुनी होगी, राइट? बट ये जीडीपी होता क्या है, और जीडीपी से रिलेटेड एक और टर्म है, दैट इज जीएनपी। तो क्या डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी में, ये हम समझेंगे इस लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, जो जीडीपी और जीएनपी है, ये है मेजर्स टू फाइंड आउट द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, आपकी कंट्री कितनी ग्रो कर रही है, ये सब कुछ देखने के लिए हम ये यूज करते हैं जीडीपी एंड जीएनपी। अब इन दोनों में एक बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है जीडीपी एंड जीएनपी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ जीडीपी। स्टूडेंट, ये जो जीडीपी है, इसे हम थोड़ा सा एलाबरेट करें तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यही चीज याद रखना कि यहां पर जो डी आया है दैट इज डोमेस्टिक, और जो जीएनपी में एन आता है, ओके, यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये जो डी है इसे याद रखो, डोमेस्टिक आया है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, एक साल में जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो हम बोलते हैं जीडीपी है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक टेरिटरी होती है जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है। ये इंडिया की क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है, ओके? ये इंडिया का मैप दिख रहा है, इस बॉर्डर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो आता है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब इंडिया में स्टूडेंट्स ये हो सकता है ना कि हमारी कंट्री, हमारी कंपनीज तो है ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ जो कंपनीज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स किसी और कंट्री में है, लेकिन हमारी कंट्री में भी वो सिचुएटेड है। ठीक है, जैसे कि यूएस की कोई हो गई, तो जापान की कोई हो गई, चाइना की कोई हो गई, तो ये जो कंपनीज हैं जो कि हेडक्वार्टर्ड नहीं है लेकिन हमारी कंट्री में वो ऑपरेट हो रही है, यहाँ पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो कंपनी से, वो फैक्ट्री से, इंस्टीट्यूशन से जो प्रोडक्शन आता है वो भी आपकी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। ठीक है, मतलब कि आपके जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है वो। ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे किसमें आएंगे? वो सारे आएंगे आपके जीडीपी के कैलकुलेशन में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, ये जो हमारी बाउंड्रीज है इसके अलावा और क्या इंक्लूड होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में? तो और होता है जो हमारे शिप्स हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर वर्क कर रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो प्लेन्स वगैरह हैं जो कि इंटरनेशनल एरियाज में घूम रहे हैं लेकिन वो हैं हमारे, ठीक है, वो इंडियन ओन्ड हैं, तो वो किस में आते हैं? वो भी आपकी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, ओके? एंड एक चीज याद रखना, आपकी कंट्री की एम्बेसी कहीं पर भी हो पूरी वर्ल्ड में, लेकिन वो किसकी पार्ट होती है? वो आपकी ही कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। जैसे कि इंडियन एम्बेसी अगर यूएस में सिचुएटेड है तो वो एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ठीक है, सेम गोज कि अगर कोई दूसरे कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में सिचुएटेड है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। जैसे कि यूएस की कोई एम्बेसी है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी हुई? वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी हुई। ठीक है, तो जो जीडीपी है स्टूडेंट्स वो बेसिकली यही है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सबका सम अप जो है वो जीडीपी बताता है। ठीक है, ये याद रखना, जीडीपी दैट इज डी जो है वो क्या आ गया? आपका डोमेस्टिक टेरिटरी शो कर रहा है। ठीक है, ये होता है आपका क्या? जीडीपी। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम जीएनपी पर, कि जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस है ये भी देखते हैं। अब देखो, जैसे कि ये हमारे जो एब्रिवेशंस हैं उसमें डी था, इसमें क्या है? एन है। इसको अगर मैं एलाबरेटेड फॉर्म में बताऊं तो क्या होता है? ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो नेशनल आया है स्टूडेंट्स, ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है? जो आपका नेशनल है ये क्या बता रहा है? तो नेशनल आपको शो करता है नॉर्मल रेसिडेंस। ठीक है,
जब हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको ये देखना है नॉर्मल रेसिडेंस। अब यहां पर हम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बल्कि नॉर्मल रेसिडेंस के बेसिस पर बताएंगे कि क्या इंक्लूड होने वाला है आपकी आपका जो जीएनपी है उसमें, ठीक है। इसमें भी हम वही सारे गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे जो कि इंडिया का रेसिडेंट जो है वो बना रहा हो, ठीक है। इंडिया का रेसिडेंट, अब रेसिडेंट कौन होते हैं स्टूडेंट्स, रेसिडेंट एक पर्सन भी होता है और इंस्टीट्यूशन भी होता है, ठीक है। वो लोग या वो इंस्टीट्यूशन जो कि जिसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अगर आपकी कंट्री में लाए कर रहा है तो वो होता है रेसिडेंट। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका जो एक प्राइम मोटिव है, ठीक है, कि आपकी जो इनकम है वो कौन सी कंट्री में जा रही है, आप कहां पर स्पेंड कर रहे हो उस मनी को, आप कहां पर रह रहे हो, वो होता है रेसिडेंट या फिर वो होता है हम बोलेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन एक कंट्री में एक साल से ज्यादा रहता है तो वो वहां का रेसिडेंट बन जाता है, ओके, ये चीज याद रखिएगा। अगर इंडियन है कोई और वो इंडियन जो है यूएस में जाकर रह रहा है एक साल से ज्यादा का टाइम हो गया है तो वो वहां का रेसिडेंट हो जाता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके साथ में थोड़ा अलग केस, जैसे कि सिंपल सी चीज समझे हम कि कोई आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे तो किसकी बैंक है, इंडिया की बैंक है, लेकिन वो कहीं अब्रॉड में उसके क्या है हेडक्वार्टर्स है, उसके ब्रांचेस हैं, ठीक है, दूसरी किसी कंट्री में, तो क्या वो वहां की रेसिडेंट बन जाएगी? नहीं, वहां की रेसिडेंट क्यों नहीं बनेगी, उसका रीजन ये है कि वो उसका जो प्रॉफिट अर्न किया गया है वो वापस हमारी कंट्री में आ रहा है, ठीक है, इसलिए वो हमारी कंट्री की ही रेसिडेंट रहेगी, ठीक है। मतलब कि कोई भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हेडक्वार्टर्ड इंडिया में है लेकिन उनके ब्रांचेस किसी अब्रॉड कंट्री में है तो वो हमारे ही रेसिडेंट कहलाते हैं। तो जो जीएनपी है वो बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है, नॉर्मल रेसिडेंस से रिलेटेड है। जो जीएनपी है वो आपका जितने भी रेसिडेंट्स हैं कंट्री के वो जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सबको ऐड कर कर निकाला जाता है। अब रेसिडेंस जरूरी नहीं है कि इंडिया में ही हो, इंडिया में भी आपके रेसिडेंस होंगे और दूसरे जगहों पर भी क्या है आपके रेसिडेंस हैं, ठीक है, थीके? तो वहां से जो सारा मनी वापस आपकी कंट्री में आ रहा है ये बताता है क्या, ये क्या है, ये है आपका जीएनपी, ठीक है। जो पूरा मनी जो पूरे जो प्रॉफिट वगैरह है वो जब हमारी कंट्री में आता है तो उसे हम इंक्लूड करते हैं अपने जीएनपी में। तो जीएनपी में जो चीज हमें याद रखनी है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो ये है कि जीएनपी इज मेजर्ड या कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेसिडेंस और जो जीडीपी है वो हम मेजर करते हैं किसके बेसिस पर, डोमेस्टिक टेरिटरी के बेसिस पर, ठीक है। ये एक स्लाइड सा डिफरेंस है बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी एंड आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको जीडीपी में किसे इंक्लूड करना है और जीएनपी में किसे इंक्लूड करना है। आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये जो लेक्चर था, ये जो टॉपिक था, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।